नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में करीब 80,000 रसोईया सहायिकाओं पर मेहरबान हेमंत सरकार, मानदेय में की 5 रुपये की वृद्धि। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यरत करीब 80,000 रसोईया सहायिकाओं के मानदेय में राज्य सरकार ने 5 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया है। उन्हें अब प्रति महीने 1500 की जगह 2000 रुपये का मानदेय मिलेगा। सरकार की ओर से इन्हें मानदेय भुगतान के लिए 39,79,55,000 रुपये व्यय करने की स्वीकृति दे दी है। यह राशि वार्षिक 10 माह के लिए होगा। झारखंड में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान यास का असर। 25 से 28 मई तक के लिए राज्य में अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे गहराता जा रहा है। यास 26 मई की शाम तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अभिषेक आनंद ने बताया कि इस तूफान का असर झारखंड में भी दिखेगा। उन्होंने बताया कि चक्रवाती तूफान के कारण आगामी 25 से 28 मई के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान राज्य में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने शनिवार की देर रात अपने जरमुंडी विधानसभा के तलझारी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि यास चक्रवात, जिसके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से गुजरने की संभावना है, झारखंड पर भी अपना असर छोड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन को मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो, उसकी तुरंत सूचना जनता के द्वारा थाना, प्रखंड या जिला को दी जाए। उस पर अविलंब एक्शन लिया जाएगा। हेमंत सरकार ने चेताया, ई पास को मजाक बनाया तो भेज देंगे जेल। झारखंड में ई पास को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बाबा का ढाबा और कभी खुशी कभी गम के लिए ई पास लेना अब जन सामान्य को महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है कि गलत जानकारी पर उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पास लेने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर गलत जानकारी देता है तो उस पर पुलिस कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 को, कोरोना महामारी को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। कोरोना महामारी के बीच सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम सभी मंत्रियों से कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और इससे संबंधित उपायों पर विचार करेंगे। बता दें कि इससे पूर्व कैबिनेट की बैठक मार्च में भी थी। कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री लगातार कदम उठा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने राज्य के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों से इस मुद्दे पर बात भी की थी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने राज्य में भारी तबाही मचाई है। पहली लहर के मुकाबले इस बार मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा रहा। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसे लेकर देश में इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड में भी इसे लेकर तैयारी की जा रही है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का हो रहा है मंथन। सूत्रों के मुताबिक देश में 12वीं बोर्ड के एग्जाम होंगे या नहीं, इसको लेकर केंद्र और राज्यों का मंथन अभी जारी है। सूत्रों का कहना है कि कुछ राज्यों ने फिलहाल एग्जाम कराने से साफ मना कर दिया है। हालांकि कुछ राज्य शर्तों के साथ एग्जाम कराने को तैयार है। फिलहाल परीक्षा पर अभी फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। पीएम मोदी लेंगे परीक्षा पर आखिरी फैसला। जानकारी के मुताबिक इस साल 12वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं, इस पर केंद्र और राज्यों के बीच चल रही बैठक में अब तक कोई आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से साझा की जाएगी। इसके बाद 30 मई को एक बार फिर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद ही केंद्र सरकार परीक्षा को लेकर घोषणा करेगी। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। यूरिया डीएपी खाद के दाम में बढ़ोतरी, खेती करने के लिए किसान परेशान। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में यूरिया डीएपी खाद के दाम में वृद्धि से किसान परेशान हैं। भंडरा में किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी के लिए 600 रुपये अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। इन किसानों के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। इसके कारण किसान ज़्यादा कीमत पर यूरिया खरीदकर अपना सिर खुद से पीट रहे हैं। साथ ही यहाँ के किसान सरकार की व्यवस्था को कोस रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को अनुदानित मूल्य पर खाद बीज मुहैया कराने के लिए खोले गए लैंप्स कार्यालय का भी कोई लाभ इन्हें नहीं मिल रहा। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एक माह पूर्व तक एक बैग डीएपी 1200 रुपये में मिल रहा था, अब उसका मूल्य 1800 रुपया हो गया है। उसी तरह 300 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बिक रहा यूरिया अब 5 रुपये बिक रहा है। इससे प्रखंड के किसान काफी परेशान हैं। चक्रवाती तूफान यश को लेकर 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेन रद्द।
चक्रवाती तूफान यश की आशंका के मद्देनजर सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए भुवनेश्वर, पुरी, यशवंतपुर आदि स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर तथा जयनगर से खुलने पहुंचने वाली 3 जोड़ी एवं पूर्व मध्य रेल के कोडरमा, गया, ससाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आदि स्टेशनों से होकर नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल को जाने आने वाली 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन भी शामिल हैं। हाजीपुर के CPRO राजेश कुमार ने एक विज्ञापन जारी कर रद्द होने वाली ट्रेनों की सूची जारी की है। रामगढ़ के साई हेल्थ केयर अस्पताल का लाइसेंस 1.5 माह के लिए निलंबित। कोविड मरीजों से मनमाने ढंग से पैसा वसूली करने के मामले में रामगढ़ के स्थानीय थाना चौक स्थित साई हेल्थ केयर अस्पताल का लाइसेंस 1.5 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान अस्पताल में चिकित्सीय सेवा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर गीता सिंह मानकी ने बताया कि अस्पताल का लाइसेंस 45 दिनों के लिए निलंबित करने के साथ साथ मरीज से इलाज के नाम पर लिए गए अधिक राशि को भी लौटा दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने पेरेंट्स, शिक्षकों और छात्रों से मांगी राय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12वीं परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों से अपनी फेसबुक पेज के जरिए सुझाव मांगे हैं। उन्होंने लिखा, प्रदेश के कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों, अध्यापकों एवं खुद छात्रों से इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा पर राय जानना चाहता हूँ। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट कर साझा करें। इससे मुझे भारत सरकार के साथ होने वाली बैठक में आपके विचार, सुझाव एवं परेशानियों को और भी बेहतर तरीके से रखने में मदद मिलेगी। झारखंड बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि स्थिति की समीक्षा करने के बाद 1 जून के बाद नया परीक्षा शेड्यूल जारी किया जा सकता है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 4 मई से शुरू होने वाली प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 17 अप्रैल को स्थगित कर दिया था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की चेतावनी, किसानों की समस्या का समाधान करें FCI, नहीं तो दर्ज होगी प्राथमिकी। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्र सरकार के उपक्रम FCI के लापरवाह रवैये पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रम निरंकुश हो गए हैं। FCI की मनमानी से किसान काफी बेहाल है। FCI के पदाधिकारी व कर्मियों को चेताते हुए मंत्री ने कहा कि यदि उनके आचरण में सुधार नहीं होता है और शीघ्र ही धान की खरीदारी करते हुए किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए राज्य में इनके प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य में रविवार को 41,251 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से 1,345 संक्रमित पाए गए, जिनमें से बोकारो के 81, चतरा से 15, देवघर से 64, धनबाद से 94, दुमका से 12, पूर्वी सिंहभूम से 172, गढ़वा से 40, गिरिडीह से 60, गोड्डा से 12, गुमला से 66, हजारीबाग से 73, जामताड़ा से 15, खुट्टी से 47, कोडरमा से 33, लातेहार से 61, लोहरदगा से 28, पाकुड़ से 6, लामू से 57, रामगढ़ से 28, रांची से 159, साहिबगंज से 22, सरायकेला से 33, सिमडेगा से 83 और पश्चिमी सिंहभूम से 84 लोग नए संक्रमित पाए गए। राज्य में 24 घंटे के भीतर 4,375 मरीज स्वस्थ भी हुए, जिनमें से बोकारो के 173, चतरा से 443, देवघर से 434, धनबाद से 397, दुमका से 11, पूर्वी सिंहभूम से 335, गढ़वा से 357, गिरिडीह से 88, गोड्डा से 25, गुमला से 231, हजारीबाग से 232, जामताड़ा से 77, खुट्टी से 145, कोडरमा से 94, लातेहार से 217, लोहरदगा से 62, पाकुड़ से 20, प्लामू से 103, रामगढ़ से 103, रांची से 609, साहिबगंज से 26, सिमडेगा से 82 तथा पश्चिमी सिंहभूम से 102 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 20,000 से भी कम यानी कि 19,499 हो गई। एक समय ऐसा था कि एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 61,000 हो गई थी। वहीं पर राज्य में 24 घंटे के भीतर 37 मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। 903 लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन, 64 को भेजा जेल, 6,34,000 जुर्माना। स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के दौरान पुलिस की सख्ती जारी है। रविवार को भी प्रदेश में जोरदार चेकिंग चला। इस दरमियान राज्य में कुल 902 लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, जिनसे 6,34,000 रुपये का जुर्माना वसूला। चेकिंग के दौरान लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में कुल 12 प्राथमिकियां दर्ज की गई, जिसमें से 64 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और 7 दुकानों को सील भी किया गया। राज्य में बिना मास्क में 36,075 लोग भी पकड़े गए, जिनमें से रांची में 102, चेक पॉइंट पर जांच में 78 लोग लॉकडाउन उल्लंघन में पकड़े गए। इनसे 42,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एक पर तो प्राथमिकी भी दर्ज की गई।